हमारे ओके सब ओके ओके श्रोतागण आ गए हैं, तो ओके ओके अभी हमारा ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का तीसरा सेशन है ये वेबिनार सीरीज का। तो हमारे सभी श्रोताओं, हमारे सभी दर्शकों का इस जीजेपीसी के वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम, बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के हमारे वक्ता 3 दिन से मिहिर जी ही टेक केयर कर रहे हैं, और जो हमारा 2 दिन का सेमिनार का जो अनुभव रहा है और हमारे जो दर्शकों से जो फीडबैक आया है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, काफी यूजफुल रहा है। तो आज फिर से एक बार मिहिर जी का हम मार्गदर्शन लेते हुए मैं मिहिर जी का परिचय देता हूँ। मिहिर जी तुरखिया, वो एक कंपनी के ओनर है, एमपी तुरखिया एंड एसोसिएट उनकी कंपनी है, और दूसरी भी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है नोवेल एक्जिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, और काफी सारे इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, जैसे कि फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड एलएलबी, प्रैक्टिसिंग इन कॉस्ट अकाउंटेंट, कंसल्टेंट ऑफ कस्टम सेंट्रल एक्साइजेस सर्विस टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डीजीएफटी जीएसटी कंसल्टिंग ऑल्सो। काफी सारे उनके अचीवमेंट हैं, उसमें से मैं कुछ अचीवमेंट की बात कर पाऊंगा, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफिस बैरियर ऑफ इंडोर देवास चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर लास्ट 10 ईयर, फैकल्टी एट द कमिश्नरेट ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज इंदौर, ट्रेनिंग बैच ऑफ न्यूली प्रमोटेड इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइजेस। काफी सारे जीएसटी रिलेटेड हमने जो 2 दिन में जो भी नॉलेज लिया, ऐसे भी काफी सारे वो सेमिनार कर चुके हैं और कर रहे हैं कंसिस्टेंट। डोमेन पार्टनर फॉर वेरियस आईटी कंपनी, उसमें जीएसटी रिलेटेड काफी एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन में भी कंसल्टिंग दे रहे हैं। तो काफी सारा मिहिर जी के पास एक्सपीरियंस है, 20 साल से इस प्रोफेशन में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का भी जो वेबिनार है वो भी इंफॉर्मेटिव रहे, यूजफुल रहे। मिहिर जी प्लीज वेलकम एंड शेयर योर थॉट्स। थैंक यू मनीष भाई। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द सेशन। यस सर। ओके फाइन। सो सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड आई होप कि यू एंड योर फैमिली आर सेफ इन दिस लॉकडाउन एंड कंटिन्यू टू बी सेफ। मिथिलेश जी के इनिशिएटिव पे और जीजीपीसी के इनिशिएटिव पे जो सेमिनार किया है, इसका जो ये तीसरा और मेरा एटलीस्ट ये लास्ट सेशन है। दो दो दिन से मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स या टू बी एक्सपोर्टर्स या ज्वेलर्स यहाँ पर है, कि एक्सपोर्ट को प्लीज अब ऐसा ये मत मानिए कि इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू गो टू एक्सपोर्ट। पहले दिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे इंदौर के आसपास जो कमोडिटी के जो छोटे सिटीज के प्लेयर्स है, मंदसौर नीमच टाइप के, दे आर डूइंग वेरी वेल इन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। और उसमें से कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी छोड़ो, आपको हिंदी भी उनको नहीं आती, वो मारवाड़ी या मालवी भाषा में बात करते हैं हमसे, स्टिल दे आर डूइंग गुड एक्सपोर्ट, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केवल एक बार व्हाट वी से टू जंप इनटू द वाटर, मतलब एक बार आपको पानी में छलांग लगानी है, उसके बाद तैरना आपको अपने आप आ जाएगा। सो प्लीज अपनी हिच हटा दीजिए कि एक्सपोर्ट में अपन जा नहीं सकते, केवल टाइम एफर्ट्स और थोड़ा सा कमिटमेंट की जरूरत है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट और जीजीपीसी जैसी कई एजेंसीज है जिन लोगों ने एक्सपोर्ट को बहुत फैसिलिटेट कर रखा है, और एक बार आप इनको अप्रोच करेंगे तो ये आपको कम से कम 10 चीजों में हेल्प कर सकेंगे एटलीस्ट। तो आप एक कदम बढ़ाइए तो वो लोग, ये जितनी भी एजेंसीज है, ये सब आपको 10 कदम बढ़ा के आपको हेल्प करेगी। सो द बेसिक एंड फॉरमोस्ट एडवाइस मेरी यही है सबसे ज्यादा, जो ऑफकोर्स लीगल कॉम्प्लायंस और जो मेरा पीपीटी रहेगा वो तो अपन अभी देख ही लेंगे। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई पीपीटी। जो परसों वाला अपना पीपीटी था उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी में आगे जो अपन ने पोर्शन इंसेंटिव्स का छोड़ रखा था, दैट विल रीस्टार्ट। एंड थोड़ा सा मैं ये बैकग्राउंड दे दूं कि एक्सपोर्ट में अभी तक अपन ने 3 दिन में 3 आस्पेक्ट अलग अलग कवर किए हैं। पहले परसों जो आस्पेक्ट कवर किया था वो लॉजिस्टिक्स पार्ट था, कि एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट्स कैसे एग्जीक्यूट होता है।
दैट इंक्लूडेड कि आप कैसे ऑर्डर लाएंगे, कैसे मार्केट डेवलप करेंगे, कैसे आप उसको हाउ विल यू डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका, उसके बाद मटेरियल का मूवमेंट कैसे होगा, कस्टम क्लियरिंग कैसे होगा. सो ऑल दोज लॉजिस्टिक्स पार्ट बेसिकली विच इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक एक सेकेंड. यस, तो ये एक आस्पेक्ट परसों कवर किया था. कल अपन ने उसका जीएसटी आस्पेक्ट और टैक्सेशन आस्पेक्ट वी हैड कवर्ड, वेयर बाय वी हैड थ्रोन सम लाइट ऑन की जीएसटी को कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं उसके अंदर और किस टाइप से आप जीएसटी बचा सकते हैं एक्सपोर्ट के केस में. ओवर एंड अबव दिस गवर्नमेंट ने आपका सर आपका प्रेजेंटेशन खुला नहीं है. हाँ, मैं भी खोल रहा हूँ सर, वो थोड़ा सा आई एम जस्ट यस. So, ये हम लोग सर क्या है कि आज जो कवर करेंगे वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जिसमें हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स और पॉलिसी रहती है, और गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इस पॉलिसी को क्रिएट किया है, प्रोसीजर को क्रिएट किया हुआ है. बेसिकली डील्स विद द इंसेंटिव्स एंड द बेनिफिट्स गिवन टू द एक्सपोर्टर्स टू एनकरेज देम टू एक्सपोर्ट. किसी भी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट से फायदा इसलिए होता है कि फॉरेन एक्सचेंज विच इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर परचेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक परचेजेस, उसके लिए जरूरी होती है कि आपके पास फॉरेन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज का इनफ रिजर्व्स रहे, और एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा रिजर्व्स प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट एनी टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स. मैंने आपको दो दिन में बार बार यही कहा कि आपका एक्सपोर्ट आप फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में ही करें, रुपीज में ट्राई करके न करें. So, उसका कारण यह है कि मोस्टली सभी स्कीम्स सभी एलिजिबल है जब आप इंडियन INR में नहीं करके फॉरेन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर पाउंड यूरो या किसी भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं. सो टुडे वी विल हैव हाईलाइट ऑन द इंसेंटिव्स अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स और फैसिलिटीज अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स फॉर एक्सपोर्टिंग. प्लस इसके अलावा कुछ और स्कीम्स जो गवर्नमेंट की चल रही है प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, उस पर भी आई थ्रो सम लाइट ऑन इट. सो टू स्टार्ट विथ, मैं थोड़ा सा इसको भी जनरलाइज में बता रहा हूँ कि क्या क्या इंसेंटिव्स रहते हैं. ये हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पे एप्लीकेबल हो, कम हो या ज्यादा हो, वो अपन थोड़ा सा और आगे वी कैन डिस्कस. बट टू गो विद द फ्लो फर्स्ट आई विल जस्ट लेट यू नो कि क्या हो सकता है. एक दूसरा एस्पेक्ट मेरे को बीच में इंदौर में जब हमने सेमिनार किया था पांडे जी के साथ, तो हमने फील किया था देर आर फ्यू एक्सपोर्टर्स हु आर इन टू सर्विस एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू ज्वेलरी. हमारे पास दो एक न्यूयॉर्क बेस्ड ज्वेलर्स है जिनका बैक ऑफिस इंदौर में है. दे हैव अ फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग एंड अ रिटेल चेन इन न्यूयॉर्क और इन यूएस, एंड देयर बैक ऑफिस दे हैव आउटसोर्स टू सिटीज लाइक इंदौर वेयर देयर इज अ डिजाइन डिपार्टमेंट, देयर आर सम अदर बैक ऑफिस ऑपरेशंस दे आर डूइंग. वन ऑफ देम इज माय क्लाइंट आल्सो. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग, मैं यहाँ पे सबको ये सजेस्ट कर रहा था कि हो सकता है कि आप लोग शायद डायरेक्ट एक्सपोर्ट ज्वेलरी का न कर रहे हो या गोल्ड का, बट अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड कोई और एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे डिजाइन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या और किसी भी टाइप की इसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग किस टाइप की सर्विसेज इसमें हो सकती है, बट अगर आप इस टाइप की कोई सर्विसेज से जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के तो भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो भी मैंने कुछ इसमें पॉइंट आउट किए हुए हैं. सो सबसे पहले मैं सबको कल एक दो लोगों की क्वेरी भी थी कि वॉट इज फॉरन ट्रेड पॉलिसी एंड हाउ टू रीड इट. मैं आपको मतलब लाइटर नोट में कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, बट एनीवे आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू कि हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो एक वो पॉलिसी कहा जाता है और एक प्रोसीजर्स. जैसा कि अपने इंडियन लॉ सिस्टम में है कि हर चीज का एक एक्ट होता है और एक रूल्स होते हैं. एक्ट बेसिकली अगर लेमैन की भाषा में कहूँ तो एक आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में आपको ये रूल्स लगेंगे, और उसके बाद जो रूल्स है वो उस स्ट्रक्चर को यूज करने की एग्जैक्ट प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस डिफाइन करता है. ऐसे ही इसके अंदर भी पॉलिसी ये कि आपको दे देता है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, कौन सी एप्लीकेशन रहेगी, वो सब चीजें प्रोसीजर में डिफाइन की हुई है. सो अगर आपको किसी को ये देखना हो कि भी मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो पहले पॉलिसी में जाइए. आपको लगता है कि आप उस पॉलिसी में फॉल करते हैं तो फिर आप उस पॉलिसी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसीजर है उसमें आप जाके देखिए कि उसकी प्रोसीजर क्या है, और फिर उससे रिलेटेड काफी अनेक्जर्स प्रोफार्मास फॉर्मेट्स
और जैसे सायन होता है, ITC, HSN होता है, ये सब उससे रिलेटेड एक्ट्स और बुक्स है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या एग्जैक्ट आपको मिलेगा। जैसे ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक का शेड्यूल आपको एक अलग से देखना पड़ेगा, या एडवांस सेशंस में साइन बोलते हैं स्पेशल इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, उसकी एक किताब आती है, वो आपको उसमें आपके प्रोडक्ट के इनपुट आउटपुट के रेशियोज मिलेंगे कि जो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री करना अलाउड है। तो ये बेसिक, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना, इससे ज्यादा डीप में बताऊंगा तो विल बी वेस्टिंग द टाइम ऑफ द फोरम। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपलेस्ट एंड प्रमोशनल मेजर जो है, प्रमोशनल मेजर से मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी FOB वैल्यू का गवर्नमेंट आपको एक फिक्स परसेंटेज देती है स्कीम, उसको MEIS बोलते हैं, मर्चेंडाइज, मतलब इसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है। तो इसके अंदर ये होता है कि आप जब भी कोई एक्सपोर्ट करें तो उसकी वैल्यू का आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे 2%, 3%, उसका एक शेड्यूल रहता है, वो उस शेड्यूल में उस आइटम के आगे उसके रेट ऑफ MEIS लिखे रहते हैं। सो सपोज आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया उस प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर सपोज 3% आपको MEIS मिलना था। तो ये जी आपने PPT, मेहर जी आपने PPT नहीं चालू किया है ना? नहीं, ऑलरेडी चालू है PPT में। नहीं सर, PPT दिख नहीं रहा सर, कल भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। एक सेकेंड, हाँ अभी ओपन हुआ है, अदर फैसिलिटेशन एंड इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्टर्स। ओके, आई एम सो सॉरी। सो MEIS मैंने जैसे भी कहा, मर्केंडाइल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर मर्केंडाइल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया तो उसकी FOB वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो उसका सपोज उस शेड्यूल में 3% डिफाइन किया हुआ है, तो 3% इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट देगी इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से मतलब आप मान के चलिए कि एक सर्टिफिकेट आता है, अब तो वो सर्टिफिकेट भी डिजिटल फॉर्मेट में आ गया है, सॉफ्ट कॉपी में, नाउ देयर इज नो मोर हार्ड कॉपी ऑफ दैट सर्टिफिकेट। टिल रिसेंटली 6 महीने पहले तक हार्ड कॉपी आती थी, एक सर्टिफिकेट जैसा आता था। ये सर्टिफिकेट आप खुद के किसी भी इम्पोर्ट के टाइम पे जो कस्टम पेमेंट होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी कारण से इम्पोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो आप यू कैन इजिली सेल इट इन द ओपन मार्केट। जनरली नॉमिनल 3-4% के डिस्काउंट पे वो मार्केट में सेल हो जाता है। सो अगर आपके पास 3 लाख का सर्टिफिकेट है तो आप मान के चलिए आपको 3 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जैसा हो गया, जिसको आप यूज कर सकते हैं तो खुद के कस्टम ड्यूटी पेमेंट में, या बाजार में बेच के आप उसका 97-98% की वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। सो ये इंसेंटिव गवर्नमेंट ओवर एंड अबव देती है एनी अदर बेनिफिट्स। मैं थोड़ा सा एक और ब्रीफ यहाँ पे दे दूं कि बेनिफिट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कि एक तो आपके इंडियन ऑपरेशंस के अंदर कहीं पे भी कॉस्ट में कोई चीज जुड़ी हुई आ रही है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और किसी भी तरीके के गवर्नमेंट लेवीज में, तो गवर्नमेंट उसका बेनिफिट आपको वापस देती है। कैपिटल गुड्स के केस में आपको वापस देती है, और ये जो MEIS है वो है, इट इज प्रमोशनल मेजर, मतलब ये ओवर एंड अबव एनी कॉस्ट है, ये आपको गवर्नमेंट ने एक अलग से बोनस इंसेंटिव दिया है कि आप एक्सपोर्ट करो, और ये पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक टेबल रहता है जिसमें उसका रेट दिया रहता है, दैट यू कैन चेक अप एंड यू विल गेट दैट अमाउंट आफ्टर, ऑफ कोर्स अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर एक्सपोर्ट्स। अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि MEIS को इन्होंने डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह नई स्कीम ला रहे थे अंडर द प्रेशर ऑफ WTO, वो था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP बोलते थे उसको। ये केवल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी स्कीम, इसकी निटिग्रिटीज और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस अभी तक अनाउंस नहीं करी है, और ये वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट्स डिटेल्स टू कम। इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीम वो आ चुकी है, वो अभी ऑपरेशनल भी है, बट अदर देन टेक्सटाइल की अभी तक गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस नहीं करी है। और अब आज के सीनारियों के देख के मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये MEIS को दे विल कंटिन्यू फॉर 2021। एक ऑफ लेट एक सर्कुलर भी आया था लास्ट वीक जिसमें ये सब स्कीम्स को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। सो MEIS विल कंटिन्यू एटलीस्ट टू मार्च 2021। और ये जो नई स्कीम है वो मैं एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये आज नहीं तो कल आएगी जरूर, क्योंकि WTO का प्रेशर है तो वी हैव टू ब्रीफ। एक छोटा सा मेंशन यहाँ पे मैं ये करूंगा कि सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे श्रोतागण सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी टाइप की, अगर भले ज्वेलरी हो या अदर देन ज्वेलरी वाले भी अगर हो, या ज्वेलर्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया के बाहर, अगर आप डिजाइनिंग करके दे रहे हैं उनको, या किसी भी टाइप का उनका बैक ऑफिस आपने आउटसोर्स कर रखा है, और आपको पेमेंट अगर बाहर से उनके फॉरेन करेंसी में आता है, तो दैट विल बी डिफाइंड एज सर्विसेज एक्सपोर्ट। एंड
subject to certain list the government has prescribed, some services will be given SEIS. Again, that is an incentive over and above to encourage such exports, and the benefit should be availed by all the exporters. मैं इन सब में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं डीप में जाता हूं तो दो घंटे भी कम पड़ेंगे. हमारे साथ यहाँ पे अशोक जी बैठे हुए हैं जो मुझे कहा गया कि काफी बड़े एक्सपोर्टर है एंड मल्टी बिलियन डॉलर का उनका एक्सपोर्ट है. आई थिंक ही मस्ट बी वेल कन्वर्सेंट विद दिस. इंडिया ने कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर स्टेटस देने का प्रोविजन दिया हुआ है. इसके अंदर स्टेटस होल्डर बोलते हैं हम जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का लेवल रहता है, उस लेवल से ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट आपकी एक कंपनी में करते हैं और वो एक साल दो साल उसकी पूरी एक सिस्टम रहती है, एक स्लैब रहता है उसका. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्लैब दिया हुआ है कि वन स्टार इज लाइक $3 US million का अगर एक्सपोर्ट होता है आपको तो गवर्नमेंट आपको वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस देगी. वैसे अलग अलग स्लैब है, $25 US million, $100 US million. सो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो गवर्नमेंट विल गिव यू स्टेटस. अब स्टेटस का बेनिफिट यह रहता है कि गवर्नमेंट इसमें काफी सारी कंप्लायंस रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स आपके हटा देती है, काफी सारे रोड ब्लॉक्स आपके हट जाते हैं. आपको बैंकिंग में, एलसीज में, कस्टम में, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाती है वंस यू आर अ स्टेटस होल्डर. सो ऑफकोर्स ये काफी बड़े एक्सपोर्टर्स को ही ये बेनिफिट मिलता है, बट आई वुड विश कि आप लोग में से भी कोई इस लेवल को अचीव करे और इस चीज का बेनिफिट ले. प्रमोशनल मेजर अपन ने देख लिए क्या होते हैं. नेक्स्ट में जो आ रहा हूं वो ये है कि जैसे कुछ नए एक्सपोर्टर्स होंगे जिनको ये कहा गया होगा उनके इंडस्ट्री के द्वारा कि भाई तेरे को ये फलानी मशीन लेनी पड़ेगी, तेरे को हल मार्किंग करना पड़ेगा, तेरे को यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ मशीन्स कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इस टाइप के इक्विपमेंट्स भी लेने पड़ेंगे. सो गवर्नमेंट ने आपको ये भी सुविधा दी है कि अगर आप ये इक्विपमेंट इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हो, If you want to import any equipment which you want to use for production or pre-production or post-production activity of export goods, the condition is कि आपको export से related capital goods होना चाहिए. आपको ऐसा allowed नहीं है कि आप आपके कोई personal काम की कोई export के capital goods लिया और आप उसका benefit ले लो. No, it should have some logical connection with the export product. तो अगर आप ऐसा कोई capital goods import करते हैं तो उस पर custom duty zero हो जाती है. Yes. आप फिर से नोट कीजिए, एब्सोल्युटली जीरो कस्टम ड्यूटी पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं एंड इट कैन बी वर्चुअली एनी कैपिटल गुड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. इसके अंदर एक ही शर्त है गवर्नमेंट की कि जितनी कस्टम ड्यूटी आप बचाते हैं, सपोज मिथिलेश जी आपका पीपीटी दिख रहा है ना, पीपीटी इज विजिबल दिखाई पड़ रहा है. सो इसमें एक ही फुलफिलमेंट कंपलसरी जो आपको कमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को वो ये है कि विदिन सिक्स इयर्स जो कस्टम ड्यूटी आपने आज बचाई, जैसे आप 1 crore की कोई मशीन लाया उसका 27% कस्टम ड्यूटी थी, दैट इंक्लूड्स बेसिक ड्यूटी एंड जीएसटी पार्ट बोथ मतलब सीवीडी. सो ये दोनों मिला के अगर 27 या 28% कस्टम ड्यूटी होती है और आप 1 crore के ऊपर 27 lakh रुपए बचा चुके हैं क्योंकि आप जीरो ड्यूटी पे लेके आए, तो 27 × 6 6 गुना 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट करना है. मतलब 27 lakh का 6 गुना होता है करीबन मान के चलिए 180 1.8 crore या 1.7 crore. तो आपको 1.7 करोड़ का एक्सपोर्ट 6 साल का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है आपको, विदिन 6 years आपको उसको फुलफिल करना है. यकीन मानिए ये बहुत अच्छी स्कीम है. ये एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इसको कई लोग एज अ फाइनेंस ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं कि आज आपका टोटल प्रोजेक्ट अगर आप कोई एक अच्छी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं और उसमें आप एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो उसमें 5 crore के इक्विपमेंट आने वाले इंपोर्ट में और उसके ऊपर 27-28% ड्यूटी के हिसाब से 1 crore की ड्यूटी लगने वाली है, तो अगर आपको आज 1 crore नहीं लगता है, आपको 6 साल का टाइम मिल जाता है, तो ये अपने आप में एक फाइनेंसिंग भी हो गया कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 1 crore की वैल्यू कम हो गई जो कस्टम ड्यूटी पोर्शन था. सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम. अगर आप अभी कोई छोटा मोटा कैपिटल गुड्स भी ला रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इतने से ड्यूटी बचा के मैं क्या करूंगा, क्योंकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलरली ये इंपोर्ट्स करेंगे और बचाते रहेंगे ड्यूटी, तो आपको एक काफी बड़ा पोर्शन कस्टम ड्यूटी का सेव होता है और स्पेशली लिक्विडिटी बहुत सेव होती है क्योंकि सीवीडी कई लोग बोलते हैं हम आईटीसी ले लेंगे, बट इनिशियली उसको भरना और 6 महीने के अंदर आईटीसी लेने में भी 6 महीने का ब्लॉकेज आता है फंड्स का. सो इसको काफी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए स्पेशली एक्सपोर्टर्स को कि अगर कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है तो इस स्कीम का बेनिफिट लें.
ये होगी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। अब एडवांस लाइसेंस, अभी परसों में से किसी ने क्वेरी की थी ऑडियंस में से कि हमारे जो गोल्ड के अंदर इंपोर्ट की कॉस्ट जुड़ी हुई है, दूसरी कॉस्ट जुड़ी हुई है, उसका हम क्या करें, उसका बेनिफिट कैसे ले। तो ये उसका जवाब है कि अगर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहते हैं गोल्ड और आप आगे उसका एडवांस लाइसेंस, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उतना प्रोपोर्शनेट गोल्ड आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना अलाउड है। माइंड यू दैट प्रोपोर्शनेट, अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई मेरे इसमें 18 महीने का टाइम रहता है, 18 मंथ्स के अंदर आपको जितना एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, सपोज आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 केजी गोल्ड के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, तो आप 1 केजी गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं और 1 केजी गोल्ड के वर्थ के ज्वेलरी बना के और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद इन 18 मंथ्स एक्सटेंडेबल अप टू 24 मंथ्स। तो आपको 18 महीने का टाइम मिलता है कि आप कुछ भी इंपोर्ट करके और फिर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। उस केस में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज गोल्ड के अलावा भी अगर आप कुछ कॉपर है या कोई एडिटिव्स अगर आप मंगाते हैं या सेमी प्रेशियस कुछ भी मंगाते हैं तो यू विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ एडवांस लाइसेंस। इसके अंदर आपका टैक्स बच जाता है पूरा, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जीरो हो जाती है प्लस जीएसटी पोर्शन भी जीरो हो जाता है। एंड दिस इज अगेन फॉर एक्सपोर्टर इट्स अ बून और डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको ये भी वापस से दोहराऊंगा जो मैं दो दिन से दोहरा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट मतलब केवल फिजिकल एक्सपोर्ट को आप एक्सपोर्ट मत मानिए। आप अगर एसीजेड में भी किसी फर्दर ज्वेलर को एक्सपोर्टर को आप मटेरियल दे रहे हैं बना के तो वो भी आपके लिए एक्सपोर्ट होता है और लगभग लगभग ये सभी बेनिफिट्स आपको उन एक्सपोर्टर्स को भी एक्सपोर्ट मतलब एसीजेड को भी सप्लाई करने में ये बेनिफिट्स आपको अवेल होंगे। सो आप ये इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बेसिकली जो तीन मैंने आपसे भी स्कीम डिस्कस करी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से स्कीम थी जो आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर एक रॉ मटेरियल से रिलेटेड एडवांस लाइसेंस हो गया, कैपिटल गुड से रिलेटेड ईपीसीजी हो गया एंड प्रमोशनल मेजर के अंदर एमईआईएस हो गया। इसके अलावा काफी सारे इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रहे हुए हैं। ऑफकोर्स इन सबकी अपनी अपनी शर्तें रहती है, कंडीशंस रहती है जो फुलफिल करनी पड़ती है, बट यू स्टिल गेट सर्टन बेनिफिट्स। इसमें मैंने टोटल लिस्ट डाल दी है, इसमें से कुछ स्कीम्स अवेलेबल नहीं है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बट एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा आज आपको एक ओवरऑल आइडिया देना चाह रहा हूँ कि फिर स्पेसिफिक गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो है वी कैन ऑलवेज डिस्कस एंड हाउ टू अवेल इट ऑल्सो कैन बी ऑलवेज डिस्कस। सो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, जैसे मैंने परसों के अपने लेक्चर में कहा था कि आप जब नए एक्सपोर्टर होते हो तो आपको एग्जीबिशन अटेंड करने पड़ते हैं, ट्रेड फेयर अटेंड करने पड़ते हैं, कई डेलीगेशन जाते हैं या कोई कस्टमर इंटरेक्शन आपको लगता है कि पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ता है। तो इस टाइप के प्रमोशनल मेजर्स में गवर्नमेंट हैज अनाउंस मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। जनरली ये उनको अवेलेबल है जो ऑलरेडी 30 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग एमडीआई बोलते हैं, और जो भी इसमें फॉल करेगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा उसको गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, ट्रैवल ग्रांट्स देगी, वहां पे एग्जीबिशन में और फेयर में पार्टिसिपेट करने की फीस के वेवर्स और फी के रिइंबर्समेंट्स मिलते हैं। इसमें काफी सारे लाइट मेकर्स से पांडे जी भी कभी भी डाल सकते हैं बिकॉज उन लोगों का प्राइमरी फोकस रहता है ये सब प्रमोट करना। नेक्स्ट स्कीम इज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। ये अभी एसेंशियली केवल एग्रो प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये एग्रो प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द मेजर कॉस्ट विच इज द हर्डल फॉर एक्सपोर्ट, सो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू रीइंबर्स दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड मेक इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, सो राइट नाउ आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन इट। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनहांस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय ब्रिजिंग गैप इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास कोई अच्छा कन्फर्म प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं या कोई उसके फैसिलिटेशन सेंटर्स डाल रहे हैं अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू बाय फाइनेंसिंग दोस प्रोजेक्ट्स। एंड फर्स्ट माइल लास्ट माइल से मतलब ये है कि उसमें दूसरी भी फैसिलिटेशन आपको दी जाएगी जहां पे आपके सिंगल विंडो बेनिफिट्स काफी सारे डिपार्टमेंट्स देगा। सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये सब के अपने अपने स्कीम के फॉर्मेट्स और कंस्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स है which we can discuss any time of the forum. Market access initiative. Market access initiative ये होता है सर कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर नया मार्केट को एक्सेस करना है, डेवलप करना है कि सर मेरे को वहां पे जाके क्लाइंट से मिलना पड़ेगा और बहुत सारे क्लाइंट्स डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट विल अगेन प्रोवाइड यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव।
whereby they will help you and give you some grants for newer markets, development of new avenues for exports and export of your products. Town of Export Excellence. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हर बहुत सारी सिटीज में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अनाउंस किया हुआ है. अपने यूपी में एक मुरादाबाद करके एक जगह है जहां पे ब्रास के यूटेंसिल्स बनते हैं. पूरे इंडिया में कुछ कारण से ब्रास के यूटेंसिल्स वहीं पे बनते हैं. यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कार्पेट बनती है. यहाँ हमारे इंदौर में सोयाबीन है. एक हर सिटी का एक अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का एक एक्सपर्टीज होता है, एक मार्केट शेयर रहता है कि मेजरली इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है फॉर वेरियस रीजंस लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लॉजिस्टिक्स एडवांटेजेस. सो अगर कोई टाउन ऑफ एक्सीलेंस आप जिस टाउन में है जैसे सूरत है, तो अगर उसको टाउन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया हुआ है तो उससे रिलेटेड भी आपको काफी सारे बेनिफिट फ्लो होते हैं. ये सब बेनिफिट्स आपको बताने का तात्पर्य ये है कि जब आप एज अ एक्सपोर्टर कुछ भी प्लान करते हैं तो ये सब चीजें अगर आप बेनिफिट्स लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में सहूलियतें मिल जाएगी. कई जगह पे आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी काफी मार्केट के एट पार आ सकती है. ब्रांड प्रमोशन इन क्वालिटी. कुछ पर्टिकुलर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप डेवलप करते हैं और उसका ब्रांड प्रमोट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट भी अगर आप गवर्नमेंट को देते हैं तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फॉर सच brand promotion also. Assistance to state for development, export infrastructure and allied listing. अभी सर आए थे लास्ट में तो हमारे पे एक शायद सर जो जिसमें सर अवेलेबल थे मिथिलेश जी, उसी में एक हमारे मिनिस्टर, एक लोकल मिनिस्टर आए थे. उन्होंने बताया कि इंदौर में, इंदौर की बात कर रहा हूँ, कि इंदौर में जैसे कन्फेक्शनरी क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउिंग सर्टन लैंड, लैंड पैकेट्स या लैंड अलॉटमेंट्स टू दी इंडस्ट्री एट लार्ज. और वो एक आपको बहुत बड़ा लैंड का पैकेट देती है और जिसमें कहा जाता है कि स्मॉल एक्सपोर्टर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को इसके अंदर लैंड अलोकेट की जाए टू सेटअप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैक्ट्रीज विच विल मेक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. सो एक क्लस्टर हमारे यहाँ पे कन्फेक्शनरी का भी मिला है हमको, जहाँ पे सपोज से 15 acres लैंड का पैकेट दे दिया गया एसोसिएशन को या इस टाइप के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के हेल्प से. और वहां पे इन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर प्लॉट्स काट के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स से उनको इनवाइट करके बोला गया है कि आप यहाँ पे आइए और आप फैक्ट्री डालिए. और ये लैंड इनको आप मान के चलिए एटलीस्ट 4 to 5 times चीप रेट पे मिलती है एज कम्पेयर टू द सिमिलर एरिया अराउंड दैट पर्टिकुलर लैंड पैकेट. सो हमारा इंदौर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे अगर 200-250 rupees स्क्वायर फीट का प्लॉट का रेट होगा तो ये इनको 30-40 rupees में ही मिल जाएगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर स्मॉल एक्सपोर्टर्स या स्मॉल ऐसे लोग हैं तो ऐसे क्लस्टर्स का बेनिफिट ले सकते हैं. और ये क्लस्टर्स के लिए आपको लोकल एमएसएमई को आप अगर अप्रोच करेंगे, अगर आपके सिटी में भी आप क्लस्टर चाहते हैं एंड यू हैव गॉट इनफ नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पुटिंग अवर प्लांट, तो यू कैन अप्रोच द लोकल एमएसएमई ऑफिस एंड विद द हेल्प ऑफ जीजीपीसी एंड एजेंसीज लाइक दिस यू कैन ask for state government to allot some land packet for such clusters. और यकीन मानिए ये काफी इजी प्रोसेस है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को जब इंडस्ट्रीज आती है तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो दे आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट. लास्ट टू स्पेसेस आर नॉट बेसिकली रेलेवेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. ये इस टाइप के इंसेंटिव के लिए आपको काफी हेल्प दे देगा जीजीपीसी एज फार एज आई बिलीव. पांडे जी इज हैविंग लॉट ऑफ मटेरियल एंड लॉट ऑफ इनपुट ऑन दिस. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो अपने इंसेंटिव अभी तक देखे उसके अलावा भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे जस्ट आई विल टच अपॉन वेरी फास्ट. आज थोड़ा सा हमको क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा गया मिथिलेश पांडे जी ने कि सर के बहुत क्वेश्चन है लोगों के, तो सर आप प्लीज उसको एड्रेस कीजिएगा. तो मैं थोड़ा सा ये फास्ट लेता हूँ. एक तो डीजीएफटी दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ये सर हर स्टेट में एक या कुछ स्टेट्स में 2 or 3 ऑफिसेज है बड़ी सिटीज में डीजीएफटी का विच फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स. अगर किसी भी एक्सपोर्टर को कहीं और से कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती है और वो डीजीएफटी ऑफिस जाता है तो वहां के ऑफिसर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे. डीजीएफटी वालों ने ये एक प्रोग्राम चला रखा है निर्यात बंधु स्कीम बोलते हैं उसको, जहाँ पे ये लोग हर छोटी सिटीज और जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्ट्स उनको लगता है कि यहाँ एक्सपोर्ट डेवलप हो सकता है वहां पे ये लोग एक सेमिनार करते हैं 2-3 घंटे का 2-3 महीने में एक बार. और दे हिमसेल्फ मतलब डायरेक्टर जनरल खुद उस स्टेट के या उस सिटी के वहां पे आते हैं और
एक्सपोर्टर्स की और वुड बी एक्सपोर्टर्स की क्वेरीज सॉल्व करते हैं और दे हेल्प यू ऑन ऑल द फ्रंट कि कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं. देयर अ सिटीजन चार्टर ऑफ कोर्स जो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रहता है. देन ई गवर्नेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. एक चीज मैं खास कहना चाहूंगा एज अ कंसल्टेंट, मैं 20 साल से इस फील्ड में जुड़ा हूँ. पिछले 2 साल में डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो एजेंसी है दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज बिकम ऑलमोस्ट 100 और इफ नॉट 199% ऑनलाइन. मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने से लेके तो मैं जितने भी इंसेंटिव्स मैंने आपको बताया ईपीसीजी स्कीम एडवांस लाइसेंस स्कीम एमईआईएस स्कीम ये सभी स्कीम्स प्योरली ऑनलाइन अप्लाई करनी है. इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं. आपके शिपिंग बिल भी ऑनलाइन कैच होंगे. आपका बैंक रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन कैच होगा या ऑनलाइन सबमिट होगा. इसके सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन इश्यू होंगे आपको और उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन ही बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई एक्सपेंसिव कंसल्टेंट या एक्सपेंसिव आपको कोई खर्चा करना है इसके अंदर. अगर आपके यहाँ पे कोई अकाउंटेंट जो साधारण कंप्यूटर जानता है थोड़ा बहुत ऑनलाइन फाइलिंग गवर्नमेंट की उसको ध्यान है तो वो आराम से ये सब कर सकता है खुद. ऑफकोर्स कंसल्टेंट्स है आपके हेल्प करने के लिए बट यकीन मानिए कि ये सब इतना सुविधाजनक कर दिया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करके 100% आप आपके घर में बैठ के लगभग ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं. सो ई गवर्नेंस हैज रियली टेकन सीरियसली बाय द फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट एंड दे आर रियली वर्किंग ऑन इट वेरी सीरियसली और अभी भी सब चीजें रोज बार रोज ऑनलाइन करते जा रहे हैं लोग. There is online complaint registration and monitoring system also. इसमें अगर ऑनलाइन grievances डालेंगे तो आपको बकायदा उसका solution मिलेगा. ईमेल से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट वालों को. मैंने कहा वैसा आईसी ईबीआरसी ये सब कॉन्सेप्ट भी ये लोग ला चुके हैं. जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो अपने परसों भी देखा और आपने शायद एक दो सेशन अटेंड भी किए कि कैसे ऑपरेट होता है सब ऑनलाइन ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. आपका जितना भी एक्सपोर्ट होगा उसके डॉक्यूमेंटेशन जो ये मेरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ मैं कहा तो इंटरनेट चला गया है. एक सेकंड मैं अभी देख रहा हूँ. आई थिंक अब आ गया क्या आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. प्रेजेंटेशन दिख रहा है. प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है. अभी ड्यूटी ड्रॉबैक खुला आपका ड्यूटी ड्रॉबैक. हाँ एक मिनट. हाँ बस ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज दिख रहा है आपको. हाँ जी. तो एवरी डॉक्यूमेंटेड कस्टम्स जब एक्सपोर्ट होता है तो सब ऑनलाइन होता है. आजकल आपका कस्टम एजेंट ऑनलाइन फाइल करता है पेपर्स. आपका ऑनलाइन पेपर्स क्लियर होते हैं. आपका शिपिंग बिल ऑनलाइन जनरेट होता है. सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो आप मानिए कि ये भी बहुत एक बड़ी फैसिलिटी है. नो मैनुअल फीडिंग इज अलाउड फॉर ईडीआई शिपमेंट नाउ. देन ई ट्रेड प्रोजेक्ट. काफी सारे ट्रेड को अब ई ट्रेड में डाल दिया इन लोगों ने. और ई वॉलेट भी काफी टाइम से गवर्नमेंट ट्राई कर रही लाने का. अगर एक बार ई वॉलेट आया था तो आपके सब टाइप के टैक्सेस और गवर्नमेंट लेवीज सब जगह पे आपके ऑनलाइन ई वॉलेट से ही पेमेंट हो जाएंगे और आपके जो बेनिफिट्स आएंगे वो भी आपके ई वॉलेट में आएंगे. सो आपको एक आपकी किटी क्रिएट हो जाएगी पैसों की जो आपको डायरेक्टली यूजेबल रहेगी. सो दिस प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो अंडर द वे एंड जब भी इम्प्लीमेंट होते हैं बहुत बेनिफिट होने वाला है ट्रेड को. ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर पे शायद 2-3 दिन पहले सेशन भी हुआ होगा कि जिसमें बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को एक एईओ स्टेटस दिया जाता है. एईओ स्टेटस से मतलब ये है कि आपका जब भी कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो आपकी कागजी कार्रवाई बहुत कम कर दी जाएगी क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा. तो गवर्नमेंट आप पे विश्वास रख के गवर्नमेंट आप पे फेथ रख के गवर्नमेंट आपको बहुत मिनिमल पेपर वर्क से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट अलाउ कर देगी. काफी सारी बैंक गारंटीज और दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी गवर्नमेंट सॉफ्ट कर देगी फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर. आई थिंक इसको ऑलरेडी एक सेशन अलग से हो चुका है. आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम ऑफ द फोरम हियर. नहीं मेहर ऑफ कोर्स सब टाइप के मेहर जी अभी ये सेशन हुआ नहीं. हमारा प्लान है आगे हम करने वाले. ओके ओके फाइन. तो आई थिंक ये आगे एक सेशन होगा जिसमें ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस कैसे लिया जाता है ये सर आपको बताएंगे जो भी स्पीकर रहेगा. और थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन एक बार अगर आप स्टेटस ले लेते हैं ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का तो यकीन मानिए कस्टम्स में आपकी फैसिलिटीज इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी हर्डल नहीं लगेगा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना. काफी सारी चीजें आपको डोर स्टेप पे हो जाएगी आपके. सिमिलरली एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन किसी भी टाइप का होता है तो डीजीएफटी डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एनेबल कर रखा है कि वो आपको हेल्प करे और फैसिलिटेट करे. यूज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट. मैंने कहा वैसे हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है
और प्रैक्टिकली फिजिकल सिग्नेचर आप कहीं पे भी नहीं लग रहे हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर से ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाती है, लाइसेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर लाइसेंसेस यूज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। सो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा ऑनलाइन फाइलिंग एप्लीकेशन आ गया है सब जगह, एंड फैसिलिटी ऑफ अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द कंसल्टेंट्स आल्सो हैज बीन इनिशिएटेड, और ये फैसिलिटीज अब ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस पे इन्होंने देना चालू कर दी। ये जितने भी इंसेंटिव्स थे ये सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए इंसेंटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी कुछ दो तीन इंसेंटिव ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि जो बेसिकली कस्टम्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा दिए गए हैं। इनमें से अपन वैसे कल परसों कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं, बट जस्ट सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, आई वुड लाइक टू अगेन ब्रिंग आउट द मेंशन ऑफ दिस इंसेंटिव्स हियर। कोई भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल कंपोनेंट के ऊपर जो टैक्सेस आपको सफर होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको गवर्नमेंट देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक मेजरली ऑल इंडिया रेट में है, ऑल इंडिया रेट की एक किताब आती है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट का रेट लिखा होगा कि सपोज आपको 2% मिल रहा है, 1% मिल रहा है, कई बार 3% तक रहता है वो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि जहां पे आप जब एक्सपोर्ट करो आप ड्रॉबैक शेड्यूल मेंशन कर दीजिए आपके शिपिंग बिल के अंदर। सो ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली प्रोसेस होके ऑटोमेटिकली आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में वो पैसा 1% का आ जाएगा। सपोज आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 1% ड्रॉबैक था, तो 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में 8 to 10 days या मेजरली 15 days के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापिस आ जाते हैं। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अगेन इंसेंटिव विच इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and it is against the taxes indirectly or directly suffered by the export product. GST exemptions पे अपन ने कल काफी डिटेल में डिस्कशन किया, बट आई जस्ट मेंशन इट हियर कि दो टाइप के GST exemptions है। एक तो आप बिना ड्यूटी के आप एक्सपोर्ट कर दीजिए अंडर LUT, या आप एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी करें IGST में और फिर उस IGST का रिफंड क्लेम करें। ये दो टाइप के GST के exemptions आपको अवेलेबल है। एक तीसरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट लेके आई है वो है ई संचित। पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे पेपर आपको एज एक्सपोर्टर आपको पहले CHA को देना है, CHA कस्टम में भेजता था, कस्टम में वो सब पेपर लॉक होते थे, क्लॉक होके फिर दे यूज टू प्रोसेस इट, और उस प्रोसेसिंग में फिर काफी टाइम मैन पावर और पेपर वर्क बहुत लगता था। बट ई संचित इज बेसिकली नथिंग बट सबमिशन एंड हैंडलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर पेपरलेस प्रोसेसिंग एंड अपलोडिंग ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर फैसिलिटिंग इंटर ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो एक्सपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन्स है वो आप ई संचित के थ्रू ही अपलोड होंगे। आपका CHA आपसे पेपर्स लेगा, उसको ई संचित में कन्वर्ट करके उसको ISGAT पे अपलोड करेगा। ई संचित से आप मान के चलिए कि अगर आप प्रॉपरली सब मैनेज कर लेते हैं, उसको प्रॉपर सेट कर देते हैं, तो आपको आपके ऑफिस कभी छोड़नी नहीं पड़ेगी एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। गवर्नमेंट इससे ऑलमोस्ट 100% पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कस्टम ऑफिस पे जाना भी बंद हो जाएगा किसी का भी, ना कस्टम ऑफिस को, ना CHA को जाना पड़ेगा, ना आपको जाना पड़ेगा, ना कस्टम वालों को आपके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो पेपरलेस एंड फेसलेस वर्क हो जाएगा कस्टम्स का। तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को कितनी सुविधा रहेगी एक्सपोर्ट के केस में इन कमिंग टाइम्स। ऑलमोस्ट ई संचित ऑलरेडी ऑपरेशन में है और आने वाले 6 महीने में 100% ऑपरेबल हो जाएगा सब जगह पे, तो बहुत इजी हो जाएगा। RCMC अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है वैसे कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विच विल फैसिलिटेट यू फॉर वेरियस। यहाँ पे अशोक सर बैठे हुए हैं, मनीष सर है जो RCMC मतलब जो देवगार ऑन द बोर्ड विद GJEPC एंड दे ऑल आर RCMC का मतलब ये होता है कि आप जब एक बार मेंबर बन जाते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके लिए जहां तक कोशिश करके जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है वो आपको करता है और आपको फैसिलिटेट करता है। सो मेरा ये मानना है कि IEC कोड और RCMC ये दो चीज हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आज की तारीख में एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी अगर RCMC लेता है तो प्रमोशन काउंसिल उसको जहां तक है संभव हेल्प करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। एक छोटा सा मेंशन में यहाँ पे ये करना चाहूंगा, परसों में से कुछ लोगों ने बोला था फाइनेंसिंग का, तो
एक तो ECGC एक था, विच इज अ क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, कि आपका पैसा कहीं डूब नहीं जाए, पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपका क्रेडिट जिसे बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए ECGC था। वैसे ही एक निर्विक स्कीम अभी गवर्नमेंट लेके आई है, इज टू एनहांस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज द लेंडिंग प्रोसेस। ई निर्विक इज निर्यातक के विकास के लिए, जो इसका फुल फॉर्म है वो निर्यातक विकास है, कि निर्यातक को प्रमोट करने के लिए उसको पैसे की सुविधा, उसको फाइनेंस बीच में नहीं आया उसके एक्सपोर्ट में और उसमें, तो उसको एक बहुत ईजी लोन फैसिलिटी उसके अंदर है निर्विक के अंदर। ये भी पूरी स्कीम मेरे ख्याल से पांडे जी के पास डिटेल में रहेगी, विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, और इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, बट आई एम श्योर कि छोटे एक्सपोर्टर्स को इससे बहुत मेजर फायदा होगा। एक ECIS स्कीम जो आई है उसके अंदर भी इन्होंने इंश्योरेंस कवर और परसेंटेज कवर बढ़ा दिया है काफी सारा, और उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में भी बहुत सुविधा मिल गई है, अप टू 60% ऑफ आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल जाता है। ट्रैकिंग क्रेडिट और रूपी क्रेडिट लिमिट्स भी गवर्नमेंट ने काफी चेंज कर दी है, और इसके अंदर भी अगर आप डीप में स्टडी करें तो आपको काफी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है। मैं ये सब चीज में अभी डीप में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट ये आपको एक नॉलेज में लाने के लिए कि इस टाइप की स्कीम्स अवेलेबल है। अब जो भी कोई व्यक्ति इसमें जाएगा तो ये डेफिनेटली उसके एक स्टेप आगे जाके इसको कैसे अवेल करना, इस बेनिफिट का कैसे लाभ उठाना, इसके लिए GJEPC अवेलेबल है सदैव आपके पास, और आई एम ऑल्सो अवेलेबल विद GJEPC, सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट। सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड, जो पेमेंट वगैरह है ये काफी सालों से स्विफ्ट सिस्टम से आ रहा है, और अब ये स्विफ्ट सिस्टम लगभग सभी पेमेंट गेटवे में आ गई है। मेरे से परसों कुछ क्वेश्चंस ये भी आए थे कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आता है तो हम कैसे करेंगे, तो ये सब भी इन सब पेपाल पेमेंट गेटवे इन सब में भी काफी बैंकों के पास प्रोडक्ट्स है कि जो आप छोटे छोटे पेमेंट्स भी अगर आपको ऑनलाइन आते हैं तो कैसे प्रोसेस होंगे, उसका BRC कैसे बनेगा और आपको उसका एक्सपोर्ट बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये आप इजीली उससे कर सकते हैं। आईस गेट मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि इट इज इंडियन कस्टम्स एंड एक्साइज गेटवे। ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 100% प्रिंट पेपरलेस प्लेटफॉर्म फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ, एंड इट इंक्लूड्स आल्सो द SEZ ऑपरेशंस। पहले जो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फिजिकल हुआ करता था, वो भी अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लोजर उन सबका हो गया है, और अब कहीं पे भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले ये होता था कि बैंक में आपको एक हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, उसके बाद ही आपका मैनिफेस्ट क्लोज होता था, अब वो सब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये सब मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि काफी सारी पेपर वर्क गवर्नमेंट ने हटा दिया है, काफी सारे पेपर वर्क को ऑनलाइन कर दिया है, काफी सारा ऑटोमाइज और सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिससे कि आप एक बार अगर ये प्रोसेस समझ लेंगे अगली बार से आपको आपका ऑफिस आपका घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं इस VPT को भी यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा, ये दो पॉइंट्स आपके रिलेवेंट नहीं है, और आई थिंक आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को टाइम दे, जो दो दिन में इतना अपन ने डेलिब्रेशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और आई थिंक आई वुड फर्स्ट मैं थैंक यू करना चाहूंगा GJEPC को कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके काम आ सकूं कुछ भी, और अगर थोड़ा बहुत भी मैं काम आ सका हूं तो दैट विल बी आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। पांडे जी क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर स्टार्ट करिए। हाँ सर वन सेकंड क्वेश्चंस कहाँ चले गए, एक मिनट। हाँ yes, first question is Mr. Arpan Goenka. In DGFT website showing foreign trade policy and foreign trade procedure, what's the difference between para, section, chapter, how to read foreign trade policy? ये मेरे ख्याल से मेरा आज के सेशन का पहला, मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूँ मैं कि फॉरन ट्रेड पॉलिसी अपने आप में एक प्रॉपर ढांचा बता देती है कि आपको ये बेनिफिट ऐसे मिल सकते हैं, वो कैसे मिल सकते हैं वो प्रोसीजर्स में बताया जाता है। पैरा सेक्शन और चैप्टर का डिफरेंस मैं आपको अभी बहुत डीपली लीगल वे में बताने जाऊंगा तो वो फोरम का टाइम वेस्ट होगा, बट मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में समझा दिया कि साइन ITC HSN और प्रोसीजर्स हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स पॉलिसी ये सब आप एक अपने आप में इनका इंपॉर्टेंस है, और ये आप कभी 1-to-1 समझ सकेंगे तो मैं आपको और समझा दूंगा, बट अभी मैं सबके सामने समझाऊंगा तो सबका वेस्ट हो जाएगा टाइम, और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दे चुका हूँ इस चीज का। PPT of course will be shared with, मैंने कल और परसों की PPT ऑलरेडी मृणाल मैडम को शेयर कर दी है, तो आई थिंक शी विल आइदर पुट इट ऑन वेबसाइट और मे बी ऑन नीड बेसिस आपको मेल कर देगी। आप बता दीजिए लोगों को, मृणाली जो है उन सबको मेल कर देगी, सबके नहीं ऑलरेडी मैंने मृणाल मैडम को तो मेल कर दिया है, तो देन शी विल कैन इट।
हाँ वो लोगों को दे देंगी। अनुराग गर्ग जी है फ्रॉम यस्टरडेज जीएसटी। ओके फाइन। इफ अ कस्टमर कम्स फ्रॉम अदर स्टेट एंड परचेज अ ज्वेलरी विद हिज नेम और फर्म नेम विद एड्रेस, विल द इनवॉइस हैव सीजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी? प्लीज आल्सो क्लेरिफाई डस पेमेंट इन कैश एंड सेकंडली वे। सर ये अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस सामने वाले का एड्रेस अगर दूसरे स्टेट का लिखते हैं तो यस डेफिनेटली इट विल बी आईजीएसटी ओनली। इफ यू नो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इफ यू नो द एड्रेस ऑफ द बायर और अगर आप उस एड्रेस को लिखते हैं वहां पे और वो दूसरे स्टेट का है तो डेफिनेटली इंटरस्टेट हो जाएगा और इट विल अट्रैक्ट आईजीएसटी। और पेमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं हो, कैश पेमेंट हो या आरटीजीएस हो, उससे कोई जीएसटी पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ईपीसीजी? ईपीसीजी में आपको बहुत शॉर्ट में प्रोसीजर फटाफट बता देता हूँ जस्ट सबको भी नॉलेज के लिए कि सर जब आपकी कोई मशीन आने वाली होती है तो उसकी आपको एक जो ब्रोशर या पीओ या पीआई बोलते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस अगर सप्लायर ने दिया है उसके बेसिस पे आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ऑफ कोर्स उसके पहले आपके पास आईसी कोड होना चाहिए। आईसी कोड के अलावा आपके पास आरसीएमसी जो जीजेपीसी की मेंबरशिप जिसे कहते हैं आरसीएमसी होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ये चार चीजें आप साथ में रख के और आपका पीआई साथ में रखें ईपीसीजी का ऑनलाइन। एक सेकेंड, माय वॉइस इज क्लियर मिथिलेश जी? बीच में एक मिनट के लिए इंटरनेट चला गया था शायद। आपकी आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है, तो उस ये सब चीज आप साथ में रख के ऑनलाइन जाए तो ईपीसीजी की एप्लीकेशन दिखेगी। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। ईपीसीजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपोर्टर्स को छोड़ के बाकी सबको इम्पोर्ट के दौरान बैंक गारंटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को ड्यूटी सेविंग के परसेंटेज में। ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, इसका एक बड़ा सर्कुलर है। ये आप जब भी आपका सीएचए जब आप जिसे क्लियर कराएंगे गुड्स इम्पोर्ट के उससे आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो बैंक गारंटी कितने की देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी और क्या लगेगा। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन डीजीएफटी में सिंपल आप जाइए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जाने के बाद एक सर्टिफिकेट आ जाएगा ईपीसीजी का, उस सर्टिफिकेट को लेके आप आपके सीएचए के पास जाइए कस्टम एजेंट के पास जो इम्पोर्ट करने वाला है आपकी मशीन, उसको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो उसको रजिस्टर करा लेगा और जब भी मशीन इम्पोर्ट होगी अगेंस्ट बैंक गारंटी विल इम्पोर्ट इट। कुछ एक्सपोर्टर्स जिनके पास पास्ट परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट का उसको बैंक गारंटी नहीं लगती है, बाकी सबको लगेगी और बॉन्ड सभी को लगेगा। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है ईपीसीजी की। इसके अंदर 6 साल का कमिटमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है कि 6 साल के अंदर 6 गुना ड्यूटी सेविंग का आप एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक ईपीसीजी की रिक्वायरमेंट। आई थिंक इससे ज्यादा मैं अगर आपको बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट करेंगे फोरम का। इफ यू हैव एक्सपोर्टेड अराउंड 1 kg फॉर एग्जाम्पल देन वॉट आर एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बेनिफिट आफ्टर दैट? राहुल जी आप जो पूछ रहे हैं ये बेसिकली एडवांस एसेस का पूछ रहे हैं या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन का पूछ रहे हैं। इसमें एक सायन रहता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे डीजीएफटी की dgft.delhi.nic.in उसके अंदर आप देखेंगे तो सायन आपको मिलेगा स्पेशल इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। आप क्लिक कीजिएगा, आपके प्रोडक्ट आप ढूंढ लीजिएगा उसके अंदर गोल्ड एंड ज्वेलरी। इसमें अलग अलग ज्वेलरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स रहेंगे, इसमें काफी लंबी लिस्ट रहती है और सबके सब टाइप ऑफ ज्वेलरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं। और ये भी संभव है कि आपके नॉर्म्स उसमें अपियर नहीं होते हो, उस केस में एडवांस लाइसेंस 2 टाइप के होते हैं। एक एडहॉक भी होता है जिसमें कहीं पे कोई नॉर्म्स नहीं है तो आप गवर्नमेंट को डेली डीजीएफटी को अप्लाई करें, उसके अंदर आप उनसे नॉर्म्स मांगे। अगर आपकी एक ज्वेलरी है कि जिसमें आपको 1 किलो ज्वेलरी के सामने 1 किलो 10 ग्राम की गोल्ड की खपत हो रही है या उसमें कॉपर और दूसरे मेटल भी जा रहे हैं, उस केस में आपको एक पूरा CA सर्टिफिकेट CE सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको 2 से 3 महीने के अंदर कंसीडर करके आपको ग्रांट करेगी। उस ग्रांट किए हुए रेशियो के अगेंस्ट में आप उतना प्रोपोर्शनेट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एडवांस लाइसेंस में कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको एब्रप्टली 1 किलो के सामने कितना है वो नहीं बता सकता, वो आपके प्रोडक्ट और उसके स्पेसिफिकेशन पे निर्भर करेगा। इफ यू एक्सपोर्ट अराउंड 50 lakhs to 1 crore इन अ ईयर देन डू वी हैव एनी बेनिफिट? सर बेनिफिट्स तो लगभग ये सभी 1 रुपए का भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द स्टेटस होल्डर जो मैंने आपको बताया कि जिसमें एक मिनिमम लिमिट ही कितने मिलियन डॉलर्स है। उसके अलावा बाकी सब बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है सर, आप कितना भी कम एक्सपोर्ट करें या कितना भी ज्यादा एक्सपोर्ट करें, लगभग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइज के बेसिस पे। एक मैंने आपको कहा शायद बैंक गारंटी टाइप के रूल्स शायद आपको अफेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको बेनिफिट कोई डिनाई नहीं होगा। कुड यू एनलाइटन अस अबाउट सोर्सिंग जेन्युइन क्लाइंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस? सर ये एक बहुत बड़ा वाइड क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इसमें ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का अलग सेशन रखा जा सकता है एंड आई एम क्वाइट श्योर शायद पांडे जी ने अलग से रखा ही होगा मार्केटिंग और सोर्सिंग के ऊपर।
विच आई थिंक अभी अपन पूरे फोरम का टाइम वेस्ट इस पे ना करें. आई एम मोर ऑफ अ कॉम्प्लायंस पर्सन, तो मैं कॉम्प्लायंस को आंसर देना चाहूंगा. थैंक यू. Can you please tell where the chart of duty drawback is written? Like I exported 600 grams jewelry, but on that I have paid customs and GST, and now how to get return back duties which I paid? sir, duty drawback chart. अगर आपने export किया है already, तो I think आपका CHA is the best person जिससे आप ये पूछ सकते हैं. और मेरे को पूरा यकीन है कि उसने drawback अगर मिल रहा होता तो उसने आपको लेके दिया होता. उसने क्यों नहीं दिया मेरे को idea नहीं है. आप एक बार पहले custom agent से बात कर लीजिए, नहीं तो आप वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया एक तो dgft.delhi.nic.in या CBIC जो कस्टम की साइट है वो cbic.gov.in में आता है, जिसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल आपको दिख जाएगा कस्टम्स के हेड में. उस शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी, जिससे आप आपके प्रोडक्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक चेक कर सकते हैं. और यदि फिर भी ड्रॉबैक उसमें नहीं दिखता है तो आप अलग से स्पेशल ड्यूटी ड्रॉबैक की भी एप्लीकेशन आपके लोकल एक्साइज कमिश्नरेट को देके, कस्टम कमिश्नरेट को देके आप क्लेम कर सकते हैं. थोड़ा सा डिटेल एक्सरसाइज होती है ये, सो आई वुड एडवाइज कि आप किसी आपके लोकल एडवाइजर कंसल्टेंट या फिर आपके CHA को आप लूप में लीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपको पिक्चर थ्रो कर सकता है. मृदंग जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी एक्सपोर्ट ज्वेलरी एट इंटरनेशनल गोल्ड रेट Whereas we buy gold with duty and GST. But sir, ये question आपने परसों भी पूछा था. मैंने आपको यही कहा कि जो मैंने आपको GST की schemes बताई है, उसमें आप जो GST आपको सफर हो रहा है आपके purchases पे, वो आप benefit through refunds ले सकते हैं या through duty free export ले सकते हैं. और अगर basic duty, customs duty आपको सफर हो रही है, तो आप advance license में आगे से gold लीजिए, या आप उस advance license में नहीं ले पाए हो तो अभी आप उस basic duty का duty drawback application लगा दीजिए customs के साथ, तो वो आपको duty वापस मिल जाएगी. एक थंब रूल यहां रखिए कि गवर्नमेंट अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देते हैं कि एक्सपोर्ट में कोई भी ड्यूटी सफर हुई है, कोई ड्यूटी कॉस्ट आपको आई है, तो गवर्नमेंट आपको पक्का इसको वापस लौटाएगी. ऑफ कोर्स उसका पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी आपको पूर्ण करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट पूरा पूरा मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए. वी इम्पोर्ट गोल्ड डायमंड माउंट्स देन सेट डायमंड्स देयर एंड देन री एक्सपोर्ट इट. वी हैव टू पे ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट विच शुड बी. सर डेफिनेटली आपको एडवांस लाइसेंस में जाना चाहिए, जिसमें जब ये बाउंड इम्पोर्ट होते हैं तो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे. एक भी रुपए की ड्यूटी या GST आपको नहीं लगेगा. आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कीजिए. ऑफकोर्स उसमें कुछ मिनिमम वैल्यूएडेशन जरूरी है. एक वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, वो आप एक बार समझ के करिएगा. पर आपको एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट 100% मिलेगा और आपको लेना ही चाहिए. आप भी एक भी रुपए की ड्यूटी आपको भरना ही नहीं चाहिए अगर आप री एक्सपोर्ट में है तो. ज्वेलरी स्टिल हैव ड्यूटी ड्रॉबैक. सर मैं आपको एक बार उसका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मैं आपको वो देख के बता देता हूँ. बट अगर आप एडवांस लाइसेंस में जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो रेट है वो कम वाला मिलता है, जिसमें केवल कस्टम पोर्शन मिलता है अगर एडवांस लाइसेंस में गए हो तो. सॉरी, जिसमें केवल GST पोर्शन मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता. सॉरी, एडवांस लाइसेंस में जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. Do we have to avail one-time certificate from custom for purchase of duty-free gold from nominated agencies? No, sir. आपको customs नहीं, आपको कस्टम से वो अवेल करने की जरूरत नहीं सर. आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा DGFT से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपको इम्पोर्ट लाइसेंस मिलेगा. अब वहां से लेके फिर डेजिग्नेटेड एजेंसी से आप परचेज कर सकते हैं. स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस मिलता है वहां से, जो आपको कैनलाइज एजेंसी जो MMTC जैसे रहते हैं, जिनसे आप गोल्ड लेना चाहते हैं, उनको आप वो सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में मटेरियल सप्लाई कर देंगे. व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर सर्विस एक्सपोर्ट? सर मैंने अपने PPT के स्टार्टिंग में कवर किया था SEIS सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम. ये हर सर्विसेज में नहीं मिलती है, इसकी एक लिस्ट दी हुई है SEIS की, जो आपको dgft.delhi.nic.in पे SEIS की लिस्ट मिल जाएगी. उसमें आप जाके देख लीजिए कि आप फॉल होते हैं कि नहीं होते हैं, और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं. इफ IGST इज चार्ज ऑन एक्सपोर्ट एंड पेड बाय कस्टमर, देन वी कैन टेक रिफंड ऑफ IGST ऑन सेम. इफ IGST चार्ज ऑन एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट में मतलब आप क्या कस्टमर से चार्ज करेंगे कि इस पे चार्ज करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है. आपको कोई डोमेस्टिक सप्लायर अगर IGST चार्ज करता है तो रिफंड आप ले सकते हो आपके एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में. पर आपका कस्टमर अगर आपको IGST पे कर देता है तो आपको नहीं मिलेगा सर. वो एक्चुअली उसका बिलिंग आप जो बोल रहे हो गलत है. आपको कभी भी इंटरनेशनल बिल में IGST नहीं लगाना है.
अगर आपको आईजीएसटी पेमेंट पे भी एक्सपोर्ट करना है तो आपका क्या जो एक्सपोर्ट का जो इंडिया का आपका खुद का टैक्स इनवॉइस बनेगा उस पर आप आईजीएसटी चार्ज कीजिए, इंटरनेशनल इनवॉइस में आप टोटल वैल्यू पे उसको चार्ज कीजिए, आप आईजीएसटी अलग से मत चार्ज कीजिए। A small question out of subject, but if you answer, it will be highly appreciated. Shipping solution for small value produced for e-commerce seller. Thank you. Sir, मैं आपका question नहीं समझ पा रहा हूँ। नमस्कार जी। PayPal is safe for use, sir? मैं sir PayPal safe है कि नहीं? इसपे कोई comment नहीं कर सकता। I am not competent also, and it is out of my scope. बट ऑफकोर्स पेपाल से अगर आपको पेमेंट आता है तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट पूरे मिलेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। सर एनी मिनिमम रेवेन्यू नीडेड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग? सर बिल्कुल भी नहीं, आपको एक रुपए का भी रेवेन्यू की आवश्यकता नहीं है, आप पहले दिन से पहले रुपए से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट भी आपको कोई हर्ट नहीं होगा। आप कितने भी छोटे एक्सपोर्टर हो, सभी बेनिफिट्स आपको लगभग लगभग मिलेंगे। फॉर ईबीआरसी वी हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू बैंक फिजिकली, कैन वी सबमिट ऑनलाइन टू बैंक? सर जहां तक मैं समझता हूँ कि फिजिकली सबमिट करने की रिक्वायरमेंट अब बैंकों ने भी हटा दी है, कुछ बैंकें जरूर अभी भी कुछ ब्रांच लेवल पे वो लोग डिमांड करते हैं, बट आप मोटा मोटी आप इनवॉइस वगैरह ये सब चीजें ऑनलाइन आप भेज सकते हो बैंक को, उसके बेसिस पे भी ईबीआरसी जनरेट हो जाएगा, वो आपको आपके ब्रांच लेवल पे मैनेज करना है। हाउ टू कॉन्टेक्ट मैम फॉर पीपीटी? सर वो आप मैडम का मेल आईडी, ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है। यस, इफ आवर क्लाइंट सेंड गोल्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड वी डू द जॉब वर्क, then percent GST is applicable. Sir, अगर आप स्विट्जरलैंड से गोल्ड यहाँ पे आता है और आप वापिस उसमें वर्क करके वापिस भेज देते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि बेनिफिशियरी और कंजम्पशन दोनों वहां पे हो रहा है और आपको ये एक्सपोर्ट रहेगा और एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी इसमें मिल सकते हैं बहुत सारे, वो आप एक बार थोड़ा सा आपके जो भी रेगुलर अकाउंटेंट या कंसल्टेंट है उनसे आप समझ लीजिएगा और आपको कोई भी जीएसटी पे करने की इसमें जरूरत नहीं है। राहुल टोंगानी जी, what to do with cash collected from international exhibition? सर ये आपको आरबीआई जो आपकी बैंक रहेगी ना उसमें आप वापस जब कैश लेके आएंगे तो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा वहां के रिसीट्स के साथ, और वहां पे आपके कैश जब वापस लेके आते हैं तो वहां पे इमिग्रेशन में भी नोटिफाई होती है वो चीज, उसके सब पेपर्स अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कहलाएगी। इज देयर एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर लूज डायमंड एक्सपोर्टर्स? यस सर, देर आर बेनिफिट सर, डेफिनेटली। मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, इट कैरीज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आप जो भी आपका रेगुलर कंसल्टेंट उनसे आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप पांडे जी को एस्केलेट कर दीजिएगा तो वो मुझे कन्वे कर देंगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट इसमें ओपिनियन दे दूंगा। कैन वी नो द लिस्ट ऑफ ईपीसीजी लाइसेंस पेंडिंग फॉर रिडम्पशन? नो सर, आपके खुद के लाइसेंस की अगर आपको रिडम्पशन की लिस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आप डीजीएफटी ऑफिस को बोलिए आपको दे देगा, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आपका 8-6 साल से ज्यादा हो गया होगा और अगर आप पूछने जाएंगे तो वो आपको एक नोटिस भी सर्व कर देंगे और आपका डेल स्टेटस पे डाल सकते हैं अगर आपके 6 साल से ज्यादा पेंडिंग होंगे ईपीसी लाइसेंस तो, बट यू कैन गेट दिस लिस्ट फ्रॉम डीजीएफटी वेबसाइट। डियर सर, इन केस ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर इफ यू गेट एन ऑर्डर ऑफ ओनली वन रिंग मे बी अबाउट $200 और इन कॉमर्स साइट, then shipping are too high, half of the selling price will be shipping charge, so is there any help for us in that context? sir, इसमें छोटे exporters में e-commerce website से जो आप कह रहे हैं इसके अंदर अभी आज की तारीख में कोई logistics या transportation cost का benefit तो नहीं दिया जा रहा है किसी भी type का directly, but I would still say कि आप एक बार ये चीज आप पांडे जी को escalate करिए, वो आपको कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं कि इसमें कैसे आपको सुविधा दी जाए, क्योंकि कई टाइप के मार्केट असिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रीइंबर्स कर सकता है। डू वी हैव टू अवेल वन टाइम सर्टिफिकेट फ्रॉम कस्टम फॉर परचेज ऑफ, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ, ये आपको डीजीएफटी से ये लेना है वन टाइम सर्टिफिकेट, कस्टम से नहीं लेना है। इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल विद सैंपल पीसेज और रेडी ज्वेलरी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन द स्टेट एंड आउट ऑफ द स्टेट, What is the procedure, sir? What documents do we need for the same? Sir, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप केवल डिस्प्ले के लिए ज्वेलरी ले जा रहे हैं और आप बेचने नहीं वाले हैं तो आप केवल आपके डिलीवरी चालान पे साथ में लेके जाइए और आप जब रिटर्न आए तो वापिस से उसकी इनवर्ड एंट्री आउटवर्ड एंट्री प्रॉपरली कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जहां जा रहे हो आप उसको बेच के भी आएंगे तो आपको उस स्टेट का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना है, उसका पेमेंट एडवांस करना है टैक्स का,
और फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। सही तरीका ये है। कुछ लोग, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग उसको ले आते हैं, बेच देते हैं, फिर यहाँ के इन्वॉइस करते हैं। इट इज रॉन्ग प्रोसीजर। सही प्रोसीजर ये है कि आप उस स्टेट का, अगर स्टेट चेंज हो रहा है स्पेशली, तो आप स्टेट चेंज हो रहा है तो आप उस स्टेट का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लीजिए और उसके बाद आप उसका टैक्स पेमेंट करके फिर आप करिए उसको। और आपको डिटेल प्रोसीजर जाननी है तो देन यू हैव टू If we want to, ये मैंने आंसर कर दिया। How can we avail the MEIS service? सर, MEIS service का मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आपकी जो शिपिंग बिल है उसमें आप लिखवा दीजिए कि want to avail the benefits of chapter 3। ये आप आपके CEO को बोल दीजिए कि मेरे को ये बेनिफिट लेना है और आपके इनवॉइस पे भी ये डाल दीजिए कि wants to avail the benefit of chapter 3 MEIS। ये आप लिख लीजिए खाली, फिर आपका जब भी एक्सपोर्ट हो जाए तो आपको डीजीएफटी की साइट पे MEIS की एप्लीकेशन में जाना है, तो आपको आपकी जो शिपिंग बिल जिससे एक्सपोर्ट हुआ वो अपीयर हो जाएगा, आपको दिखेगा। आपको उसको सेलेक्ट करके कैच करना है और EBRC आपके बैंक से जनरेट हो गई होगी तो वो भी कैच करनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। ये दोनों जैसे ही अपलोड कर दोगे ना MEIS एप्लीकेशन बन जाएगी और आई थिंक विद इन 24 आवर्स वो एक MEIS सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप यूज करें कस्टम ड्यूटी पेमेंट में या आप बाजार में भेज दें। वी गेट GST रिफंड ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक और ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गोल्ड परचेज फ्रॉम लोकल डीलर्स इन मुंबई फॉर डायमंड ज्वेलरी फॉर एक्सपोर्ट। यस, यू विल गेट ड्यूटी ड्रॉबैक एंड GST रिफंड फॉर गोल्ड परचेज फ्रॉम लोकल डीलर्स एंड डायमंड ज्वेलरी, बिल्कुल मिलेगा आपको। आपको जो क्रेडिट आई है उसका रिफंड ले लीजिए GST में से और उसके ओवर एंड अबव आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलेगा। वी गेट GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गोल्ड, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। Since we are expecting a lot of jewelry manufacturing to shift from China to India, so that is very good. I'm really happy. अगर ये हो जाता है तो अपने Indian industry को बहुत benefit होना चाहिए। So तो इस case में तो आप लोगों को definitely तैयारी कर लेनी चाहिए सब type के exports में जाने की। Most factories are already catering to Indian domestic market. How to promote ourselves as new exporters and get customers so that MSMEs can start export? Sir, इसमें मैंने हर्ष जी शायद आप परसों थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने काफी कुछ light throw करी थी और उसके पहले भी जो सेशन हमारे पहले मारू सर ने और काफी सीनियर लोगों ने लिए थे उन लोगों ने भी इस पे लाइट थ्रो करी थी। ये एक बहुत वाइड टर्म है, मैं अभी उसका आंसर देना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। बट ये एक बार आप मिथिलेश पांडे जी से हेल्प ले सकते हैं, ये आपको परसों की या उसके पहले की PPT शेयर कर लेंगे जिसपे ये सब टिप्स दी हुई है। वॉट इज EPDMS? सर, EPDMS का मुझे अभी तो एकदम समझ नहीं पड़ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म तो मेरे को ध्यान नहीं है। पांडे जी, मेरे अगर आप इसमें कोई लाइट थ्रो करें तो अगर आपको आइडिया हो तो मेरे को आइडिया। इसको अभी आप डिफर करिए, आगे बढ़िए। माय क्वेश्चन कार्तिक एम सर, माय क्वेश्चन इज एज द एक्सपोर्टर शैल वी इंपोर्ट गोल्ड मेडल डायरेक्टली फ्रॉम अब्रॉड एंड इफ यस हाउ मच क्वांटिटी कैन। बट हाँ, आप एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट ले सकते हैं इस केस में और वो लाइसेंस कैनलाइज एजेंसी को आप दे दोगे एडवांस लाइसेंस, उसको हम बोलते हैं उसके लिए एक वर्ड है इन उसको सरेंडर करना बोलते हैं, लाइसेंस सरेंडर कर देते कैनलाइज एजेंसी के फेवर में, इनवैलिडेशन इनवैलिडेट कर देते हैं इन द फेवर ऑफ दैट एजेंसी और आपको उतने कम रेट में गोल्ड दे देंगे जितने की ड्यूटी उनको सफर हो रही है उतने रेट से। रमेश कथम जी, MEIS स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, सर ये मैं आपको थोड़ी देर पहले एक आंसर दे चुका हूँ तो आई होप आपने वो सुन लिया होगा आंसर। व्हाट अबाउट द सबवेंशन, सॉरी कैन वी नो द लिस्ट ऑफ EPDG लाइसेंस पेंडिंग फॉर रिडेम्पशन? नो सर, ये मैं भी आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी। व्हाट अबाउट द सबवेंशन ऑन इंटरेस्ट फॉर एक्सपोर्टर, इट वॉज एंडेड ऑन बैंक अकाउंट ऑन 31st March। सर सबवेंशन पे मेरे ख्याल से पांडे जी के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा नॉलेज रहेगा और आपके लोकल MSME ऑफिस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे सबवेंशन पे, तो आप उनसे थोड़ा सा इस चीज पे आप लाइट थ्रो कर लीजिए। पांडे जी विल मे बी हेल्प यू ऑन सबवेंशन पार्ट। हाउ टू कोट अ फॉरेन बायर इन देयर करेंसी, प्राइसिंग और कोटेशन पे मैंने परसों भी काफी डेलीगेशन किया था, मैं खाली इसमें आपको एक ही दो चीज टिप अभी देना चाहता हूँ फिर से कि आप आपके टैक्सेस, आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और आपके डिलीवरी टर्म्स मतलब FOB, CIF, DDP, DDU क्या है उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उन सबको ध्यान में रख के फिर आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके आप सामने वाले को कॉस्टिंग या कोटेशन दीजिए। अभी मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाहूंगा, सब पूरे फोरम का टाइम उसमें वेस्ट होगा।
इन केस ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर्स इफ वी गेट एन ऑर्डर ऑफ 1 kg, ये सर ये ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ इस चीज का, व्हाट इज ईपीडीएमएस, ये भी आंसर मैं ऑलरेडी डिफर कर चुका हूँ। स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट पार शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है, तो सर ये भी मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम सीएचए हु एल्स कैन गाइड अस फ्रॉम ऑल दिस इंसेंटिव्स एज बिग सीएचए डज नॉट हैव टाइम। आप जिस भी सिटी में हो वहां पे अगर कोई अच्छा सीएचए के अलावा कुछ कंसल्टेंट हमारे जैसे होते हैं, हम लोग सीएचए भी है प्लस हम लोग डीजीएसटी और एक्साइज कंसल्टेंट है, जीएसटी कंसल्टेंट है, तो आपका ऐसा कोई कंसल्टेंट हो अगर उस सिटी में तो बहुत अच्छा, आप जो सिटी में होंगे उस सिटी के कुछ कंसल्टेंट के नाम मैं आपको दे दूंगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप पांडे जी या किसी को एस्केलेट कर दीजिएगा, वो मेरे को क्वेरी एस्केलेट कर देंगे, तो आई विल बी हेल्पिंग यू, नॉट एन इश्यू। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो आपको एक बार हेल्प कर देंगे तो सब ऑनलाइन ही काम हो जाएगा। विजय लश्करी जी, विच टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम सेफ फॉर यूज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? सर मैं किसी भी पेमेंट मोड पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा, खास करके पब्लिक फोरम पे। सभी पेमेंट के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जहां तक आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड पेमेंट गेटवे से जाते हैं यही मैं सजेस्ट करूंगा, पर एक सजेशन मेरा जरूर है कि सभी पेमेंट गेटवे में ये प्रावधान है कि आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आप कभी भी ये मत सोचेगा कि अगर मैं पेपाल से मंगा रहा हूँ या इससे मंगा रहा हूँ तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले आपको इंडियन रुपीस में आ रहा है लेकिन अगर इंडिया में वो फॉरेन करेंसी में आया है तो बेनिफिट आपसे कोई छीन नहीं सकता। इफ यू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू ई कॉमर्स साइट सेल्स, आर वी सपोज टू ऐड जीएसटी टू सेल प्राइस एंड देन क्लेम फॉर सेल? सर अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में तो आपको जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएसटी बिल्कुल लगाना है और आपको चार्ज भी करना है। इसमें खाली एक और चीज है कि ई कॉमर्स के ऊपर एक एडिशनल टीडीएस टीसीएस नाम की एक लाइबिलिटी आती है उस सेल पे, वो ई कॉमर्स वाले भरेंगे, उसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तो जरूर जीएसटी चार्ज करना ही है, इसके अंदर आपको कोई छूट नहीं है। इफ एनी एक्सपोर्ट पार्टी बिकम एनपीए एंड वी इन कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई देन वी हैव टू डू? एक्सपोर्ट पार्टी मतलब आप डोमेस्टिकली उसको दे रहे हैं कि आपके बायर जो है वो एनपीए है, ये मेरे को क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ तो मुझे मेल कर सकते हैं सर से मेल आईडी लेके, तो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ उस चीज के ऊपर। गोल्ड प्राइस इन इंडिया इज हायर देन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, क्लाइंट आस्क फॉर इंटरनेशनल प्राइस बट वी बाय फ्रॉम लोकल एट इंडियन प्राइस। सर अगर आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है तो आप एनालाइज एजेंसी से एडवांस एसेस में लीजिए, तो मोस्टली आपको इंटरनेशनल प्राइस पे ही मिल जाएगा। ये एक ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिवली जवाब नहीं देना चाहूंगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक, लाइक आई कैन गेट ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 2015? सॉरी सर, टाइम लिमिट इज 1 year विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 2 times फॉर 2 quarters, मतलब 1.5 साल आप मान के चलिए। अगर ड्रॉबैक अभी तक क्लेम नहीं किया तो मैक्सिमम 1.5 साल, एक्चुअली 1 साल ही है, कमिश्नर की परमिशन से 6 महीने आपको मिल सकते हैं, और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो तो ही वो प्रोसेस अफोर्डेबल है, अदरवाइज आप भूल जाइए, 2015 डेफिनेटली नहीं मिलेगा। कैन एनीवन इंपोर्ट गोल्ड फॉर डोमेस्टिक यूज? कैन एनीवन इंपोर्ट गोल्ड फॉर डोमेस्टिक यूज? सर गोल्ड इंपोर्ट वैसे भी आप कैनलाइज एजेंसी ही कर सकती है, आपको कैनलाइज एजेंसी ही खरीदना पड़ेगा, और डोमेस्टिक यूज के लिए आप खरीद तो सकते हो लेकिन फुल ड्यूटी पेमेंट पाएगा वो। प्लीज सेंड बाय मेल। सर ये मैं डायरेक्ट मेल सेंड नहीं कर सकता, आप मेल आईडी मैडम से ले लीजिएगा। और आप If we have received order through e-commerce site and exported that order, later if the buyer wants to return that for any reason, as it was not a consignment but export, then what do you do? Sir, इसमें एक पूरी प्रोसीजर है कस्टम्स की, अगर कोई एक्सपोर्ट री इम्पोर्ट आता है तो इसमें थोड़ा सा आपको इंसेंटिव वगैरह भी रिटर्न करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और एक बॉन्ड देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये इस पर कोई भी ड्यूटी सफर हो रही होगी, आपने बचाई होगी तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये काफी डिटेल प्रोसीजर है, उस टाइम किसी भी कुरियर या जिस भी सीएचए के थ्रू आपने भेजा होगा आप एक बार उसको अप्रोच कर लीजिए, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और इसका वैलिड रीजन भी देना पड़ता है कस्टम्स में। री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज टेकन वेरी सीरियसली बाय कस्टम्स एंड यू हैव टू डेलिकेटली हैंडल दैट मैटर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक, ये मैं आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी। इज ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेफ थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस? सर ये मेरे परव्यू के बाहर का क्वेश्चन है, आई एम नॉट एन एक्सपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, ये आप किसी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लीजिए इसके। सर बीइंग डायमंड ज्वेलरी रिटेलर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेल एंड एक्सपोर्ट सिंगल ऑर्डर्ड आइटम वैल्यू $500 इन यूएसए एंड प्रोसीजर टू एक्सपोर्ट द गुड्स प्रोडक्ट एंड रिसीविंग पेमेंट्स? सर यहाँ से आप
बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी, अफकोर्स आपको कुरियर मोड में जाएगा और उसका आपका जो पेमेंट आएगा बैंक में, उस बैंक से आप EBRC ले लीजिए, तो अगर आपको कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट लेना है किसी भी प्रकार के, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली। इसके अंदर आपको जो कुरियर या जो एजेंसीज एक्सपोर्ट करती है एयरलाइंस के थ्रू, वो आपको लॉजिस्टिक्स वाले कोई भी हेल्प कर देंगे सर। थ्रू ई कॉमर्स साइट हाउ डू वी एक्सेप्ट पेमेंट मोस्ट कंप्लेंट विद इंडियन लीगल सिस्टम। सर आपके जो पेमेंट गेटवेज है, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से एक्सेप्ट कर लीजिए पेमेंट, और जो अच्छे खराब है मैं कमेंट नहीं कर सकता कौन से अच्छे और कौन से खराब, बट एनी गुड पेमेंट गेटवे विच इज ऑथराइज बाय RBI और इंडियन बैंकिंग फेडरल बैंक, उसके आप सजेशन दीजिए बाहर वालों को। वट इज गुड सॉफ्टवेयर फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट फॉर विच इंक्लूड एक्सपोर्ट। सर ये इस पे भी मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए बोलने के लिए, आप प्लीज GGAPC या आपके जो भी एसोसिएशन उसके बारे हेल्प ले लीजिए। मिहिर जी हमने करीब 51 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए हैं अभी तक, तो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है। 6 बजे अगर टाइम हो गया ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन इन गोल्ड ज्वेलरी, ये दिस इज नॉट अ रिलेवेंट क्वेश्चन, आई डोंट आंसर दिस। सर माय APGRS इज नॉट क्लोजिंग ड्यू टू माय लास्ट 3 ईयर टर्नओवर एवरेज इज लेस देन 2 Ks। सर ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वी विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प इट। आप पांडे जी से मेरे क्रेडेंशियल्स ले लीजिएगा, मेल आईडी या फोन नंबर, तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है उसको। एनी वेबसाइट वेयर वी कैन रीड मोर अबाउट सच कंप्लायंसेस, डेफिनेटली सर DGFT की साइट खुद ही बहुत वाइड और बहुत अच्छी है, DGFT.daily.nic.in, इस पर आप चले जाइए तो आपको काफी सारी बेनिफिशियल चीजें इसमें मिल जाएगी, एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट साइड। बिग अमाउंट ऑफ GST स्टक इन GST डिपार्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट IGST सेड नो इन बॉम्बे कस्टम्स, हाउ टू गो अहेड। राहुल जी ये इसमें कुछ बेसिक प्रोसीजर है जो मैंने अपने PPT में भी कवर की थी, मैं बहुत फास्ट मैंने ब्राउज किया था उसको। पांडे जी आपको जब PPT शेयर करेंगे तो उसके अंदर मैंने दिया हुआ है कि प्रॉब्लम्स इन GST रिफंड एंड इट्स सॉल्यूशन, और फिर भी अगर वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिले तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो मैं आपको उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन शेयर करूंगा। एनी स्कीम फॉर सिल्वर ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन गुड्स परचेज लोकली फॉर एक्सपोर्ट्स, वी आर एक्सपोर्टिंग सिल्वर आर्टिकल। यस डेफिनेटली सर, अगर आप लोकल एक्सपोर्ट परचेज करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली ड्रॉबैक भी मिलेगा और दूसरे सब बेनिफिट्स मिलेंगे। जो मैंने आपको PPT दिया उसमें सब बेनिफिट्स मेंशनड है, यू डेफिनेटली डू सम होमवर्क ऑन दिस एंड यू कैन गेट द बेनिफिट। लास्ट टू क्वेश्चन, दो थ्रू अ ई कॉमर्स साइट्स हाउ डू वी एक्सेप्ट पेमेंट मोस्ट कंप्लेंट विद इंडियन, सर ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। If you want to import goods for repair of jewelry, what is the procedure? Sir, custom में import for repair is re-export basis पे import होता है, उसकी custom में एक पूरी procedure है, जिसमें bond में material आता है बिना किसी duty payment के। इसमें वो आपको कोई duty payment नहीं करना है, 6 महीने के अंदर वो material वापिस जाना चाहिए, तो आपका जो भी CH है उसको import कर रहा है उसको बोल दीजिए कि re-export basis का जो bond रहता है वो मुझे बता दो, तो आपको duty free import आ जाएगा सब repairing वाला। Refund has come against IGST, but now they are only giving export on LUT. Sir, ये timing थोड़ा सा, ये government अपनी liquidity को improvise करने के लिए दे रही है कि हम आपको refund अभी generate नहीं करेंगे, but otherwise you will get it. Thank you so much. And मेर जी बोले बोलिए सर, आप कुछ बोलना है? और मैं अभी ये चाहूंगा कि मैंने जो 3 दिन में इतना डेलीगेशन दिया उससे एटलीस्ट आप लोग सब इतना मोटिवेट हो कि जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कुछ ना कुछ सीरियसली एक्सपोर्ट की तरफ अपना कमिटमेंट शो करे, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अब एक्सपोर्ट और भी स्मूथली और कॉन्फिडेंट तरीके से करे। थैंक यू सो मच, और ये 3 दिन मेरे को भी बहुत आनंद आया सबके साथ डेलीगेशन करने में, और मैं पांडे जी को भी स्पेशल थैंक्स कहूंगा, और मनीष जी और अशोक जी जो आज मेरे साथ थे उन्होंने मुझे और प्रमोट किया आपके इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। मिहिर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हो जिसपे आप सेमिनार चाहते हो तो प्लीज आप हमें लिख दीजिए, जिससे जो हम अगला प्लानिंग कर रहे हैं उस सारी चीजों को हम कर सकें, और आपको बार बार इस तरह से ज्वाइन होकर के अपने नॉलेज स्किलिंग के लिए जो आपने हमारे साथ सहयोग किया है आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मेरी टीम मृणाली के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी क्लोज करें।